संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यूपी की सियासत में इन दो बयानों ने भूचाल मचा रखा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी के ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच में ऐसी भिड़ंत हो गई है कि अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है, क्या बीजेपी योगी आदित्यनाथ को यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने वाली है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ मीडिया तक हर जगह ये खबरें फैली हुई हैं कि यूपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और हो सकता है कि जल्द ही योगी आदित्यनाथ की विदाई हो जाए। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का गुट है जिसे हिंदू युवा वाहिनी जैसे हिंदू संगठनों का समर्थन है, तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य का गुट है जिसे बीजेपी और आरएसएस के समर्थन का दावा किया जा रहा है। सियासी हलकों में ये खबर चल रही है कि योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में टक्कर हो गई है और अब केशव प्रसाद मौर्य योगी को कुर्सी से हटाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। आपको पूरी कहानी समझाते हैं और इस पड़ताल में जाते हैं कि क्या वाकई यूपी में बवाल हो गया है। दरअसल यूपी की राजधानी लखनऊ में रविवार को हुई यूपी बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को दिल्ली बुला लिया गया था। मंगलवार को केशव और भूपेंद्र ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अलग अलग मुलाकात की है और माना यह जा रहा है कि नड्डा ने दोनों नेताओं से लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने और यूपी में भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा की है और साथ ही योगी आदित्यनाथ के किरदार पर भी बात हुई है। सीएम योगी की अगुवाई में भी जो दो कैबिनेट बैठक होने वाली थी उनमें से गायब रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य और केशव ने करीब 20 दिन से चुप्पी साध रखी है, यानी जो योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं उसमें केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंच रहे और चुप्पी साधे बैठे हैं। ये चुप्पी पिछले रविवार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में टूट गई और केशव ने मन से संगठन को सरकार से बड़ा बता दिया। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी कार्यकर्ता पहले हूं और डिप्टी सीएम बाद में हूं। इसके बाद ही उन्हें दिल्ली तलब कर लिया गया था। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्रिपरिषद के सभा वाले वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे हैं, सात कालिदास मार्ग का दरवाजा राज्य मंत्री जी बैठे सबके सामने गए। मैं उस मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूं। और सबसे जो भी किसी की जिम्मेदारी बैठे, चाहे वो उपमंत्री के नाते, चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सबसे तो जनप्रतिनिधि है, उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता है उनसे कुछ बनते क्या नहीं। इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दें, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप प्रदेश में पार्टी में कुछ बदलाव करना चाहती है, जिसके मद्देनजर नड्डा ने दोनों नेताओं को अलग अलग सुझाव मांगे थे और उनको बुलाया था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र पहले ही नड्डा से कह चुके हैं कि वो हर तरह के बदलाव के लिए तैयार हैं। सूत्रों का तो ये भी कहना है कि फिलहाल अभी आंशिक बदलाव ही किए जा सकते हैं। संगठन के कुछ चेहरे सरकार में शामिल हो सकते हैं तो कुछ लोगों को सरकार से हटाकर संगठन में जगह दी जा सकती है, यानी यूपी में बड़ा फेरबदल हो सकता है। मंत्रियों के विभाग भी बदले जा सकते हैं। यूपी में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार सुबह 11 बजे अपने आवास पर मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। मंत्री उपचुनाव वाली सीटों का दौरा करके लौटे हैं। एक सीट पर दो दो मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है कि कोई चूक ना हो।
कार्यकर्ताओं से बात करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी तैयार की है। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की करारी हार हुई थी। बीजेपी से लेकर जो आरएसएस हैं उन तमाम जगह से ऐसी खबरें आई कि योगी आदित्यनाथ ही हार के जिम्मेदार हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी में योगी के बुलडोजर राज और खराब कानून व्यवस्था के चलते आरएसएस और बीजेपी अब बदलाव की तैयारी में है ताकि उसे भविष्य में नुकसान ना हो। चर्चा तो ये भी है कि इसे लेकर भाजपा के हाईकमान ने पूरी प्लानिंग कर ली है। बाकायदा प्लान बना लिया गया है कि कैसे सत्ता हस्तांतरण होगा, बदलाव किया जाएगा, लेकिन इन चर्चाओं में कितनी असलियत है ये साफ साफ किसी को नहीं पता। लेकिन ये भी सच है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी आदित्यनाथ के कद को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। योगी आदित्यनाथ भी इस बात को जानते हैं और इसलिए वो मन से कह रहे हैं कि जो लोग उछल कूद कर रहे हैं उन्हें उछल कूद करने का मौका ही नहीं मिलेगा। जीत का ये सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा, यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, पार्षद भी है। और अगर यहां पर कहीं भी कहीं कोई खनोच आता है तो वहां उसके असर वहां पर भी पड़ने वाला है, और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा, ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा, यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं। यानी योगी आदित्यनाथ भी फुल मूड में हैं और उछल कूद करने वाले नेताओं को खुली धमकी दे रहे हैं। कुल मिलाकर इतना तो साफ है कि यूपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। यूपी में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और चुनाव के मद्देनजर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जा रहा। उसकी ये माना जा रहा है कि चुनाव की वजह से ये वजह है कि ऐसे बड़े फैसले एकदम से नहीं लिए जा रहे। बीजेपी बस यही समझाने की कोशिश कर रही है कि कार्यकर्ताओं को चुनाव में मेहनत करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ आगे लगेंगे और पार्टी को सुदृढ़ बनाते हुए, पार्टी को पूरी ताकत देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ अंत में, अभी अभी इसी लोकसभा के साथ उड़ीसा का चुनाव हुआ। आप सब लोगों ने कभी सोचा था कि हम वहां सरकार में आ जाएंगे? बोलिए, सोचा था क्या? आ गए कि नहीं आ गए? 46% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ को यूपी की कुर्सी से हटाने की अटकलें लगाई जा रही हों। रह रहकर अक्सर ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं अटकलों को हवा दी जा रही है। आपको याद होगा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीते लोकसभा चुनाव में ऐलान कर दिया था कि चुनाव खत्म होते ही 2 महीने के भीतर ही योगी की कुर्सी जाने वाली है। चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। अगर योगी को हटाया जाता है तो केजरीवाल की भविष्यवाणी सच साबित हो जाएगी। जो बीजेपी दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ करती थी, तमाम सरकारों को गिराकर अपनी सरकार बना लेती थी, अब उसी बीजेपी के भीतर तोड़फोड़ मची हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसी लाइन पर बीजेपी को लपेट लिया। उन्होंने एक्स पर लिखा,
भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसीलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है। विपक्ष जो कयास लगा रहा है वो सच होता है या नहीं, ये तो आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि यूपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बड़ी कहें कि उलटफेर की तैयारी चल रही है, खींचतान जारी है। यूपी में बदलाव की कहीं ना कहीं से आहट आ रही है। लेकिन इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी इस पूरे मसले पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ पीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।